आज आर्य कॉलेज के सभागार में सरहद के पार से आई खुशबू नामक एक समारोह का आयोजन किया गया। देश के विभाजन से जुड़े दर्द पर आधारित इस समारोह की मुख्य अतिथि शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, वशिष्ठ अतिथि उपायुक्त सुमेघा कटारिया मौजूद रही। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने इस समारोह की अध्यक्षता की। उद्घोषक प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रश्मि कटारिया रही। देशभक्ति पर आधारित इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के साथ किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक रोहिता रेवड़ी ने कहा कि भारत को भी जगत गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी, लेकिन विभाजन की एक लकीर ने रिश्तों को तलख कर दिया। वे परिवार जो आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उस स्थान से अपना घर बार और जमा जमाया कारोबार छोड़कर उन्हें भारत आना पड़ा। उस दर्द की दास्तान लोग याद रखे हुए हैं। लाख कोशिशों के बाद भी यह दर्द भुलाया नहीं जा सकता। सब अनुभवों के जो हमारे बड़ों ने जिए, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी जागरूक है या संवेदनशील है उन स्मृतियों के प्रति जो टीस भरे हुए हैं, तकलीफ भरे हुए हैं। जब रोई सी ती पंजाब दी तो लिख लिख मारे वैन, अज लखा तियां रोंदियां किसे वारिस शाह नु कहन, उठ दर्द मंदा दे दर दिया उस तक अपना पंजाब। यानी सीमित सी हमारी जानकारी विभाजन को लेकर के रही है। आज इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं कि वो सब लोग जो विभाजन से जुड़े हुए हैं, जहां भी हैं, उनको सम्मानित किया जाए, उनके साथ उनके उनके अनुभवों को साझा किया जाए। और केशव मेहता जैसा जिन्होंने व्यक्तित्व, जिसके कितने को साधन हैं हम जानते हैं, बहुत ही सीमित साधनों वाला ये बच्चा हमारा छोटा सा भाई, लेकिन एक जुनून, एक पैशन है उसके मन में कि विभाजन में जो विस्थापित हुए, जो पिछड़े, उनको मिलाया जाए। और यूट्यूब के माध्यम से उसने न जाने कितने ही परिवारों को मिलाया है पाकिस्तान में जो बैठे हैं, और यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हुए यहाँ बसे हुए लोगों को, जो हवेलियाँ छोड़ाए, जो अपने परिजन छोड़ाए, जिन्होंने अपने परिजनों के को अपनी आंखों के सामने हिंसा से मरते हुए देखा, जिन्होंने जिन जो अपने साथ कुछ भी नहीं ला पा, जो अपने साथ ना सोना ना चांदी ना हवेलियां, वो कुछ भी नहीं ला पाए, ना कपड़े ना गहने, कुछ भी नहीं, केवल समृद्धियों को ला पाए। लेकिन केशव जैसे लोग, मुझे सचमुच लगता है कि वो उस सोच के परिचायक हैं कि हम नकारात्मकता की किसी लकीर को छोटा नहीं कर सकते। विभाजन एक सच है, एक सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। अगर वो लकीर इतनी है जिसको छोटा नहीं किया जा सकता, तो केशव जैसे लोग लंबी सकारात्मकता की लकीर खींचने में लगे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि हमारे इलाके की वो अब धीरे धीरे, अब मुझ जैसे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ, कोई पता नहीं किस वक्त, और बहुत से दोस्त हमारे, बहुत से साथी चले गए, और बाकी जो हैं वो भी अब धीरे धीरे वन आफ्टर दी अदर वो तैयार बैठे हैं। तो हमारी सराइकी ज़ुबान ने यहाँ आकर वो तरक्की नहीं की जो इतने सालों में धीरे धीरे ये ख़त्म ही होती जा रही है। तो ये ज़ुबान सुनी हो, सीखी हो, और ऐसे बहुत कम फैमिली ही हैं। तो केशव अजीज को कामों से बहुत सारे इंटरव्यूज करके अपने सराइकी इलाके के, इसने बहुत से बिछड़े हुए दोस्तों को मिलवाया है, और कई रिश्तेदारों को जो बिछड़े हुए थे, जो इधर बैठे थे, कई लोगों के रिश्तेदार जिनको मालूम ही नहीं था कि कौन कहाँ बैठा, उनको मिलाया है। तो मैं इनको शाबाशी देता हूँ, केशव को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये नेक काम वो करता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए एक केशव काफ़ी नहीं है, बहुत से केशव चाहिए हमें। इस ज़ुबान को अगर हमने ज़िंदा रखना है
तो बहुत से केशों चाहिए हमें, और मेरा ख्याल है केशों की ही इस काम से इस बाहर जाने पर आपको एक लिमिटेड मुद्रा मिलती है जिसका आप खर्च कर सकते हैं, और बेईमानी का मन नहीं किया मैंने, बड़ी भारी मन से रोग मैगजीन और वो दोनों किताबें मार रखी और भारी मन से बाहर निकल आया। बाहर निकलते मेरे पीछे एक यंग लड़का आया और उसने कहा कि अगर बुरा ना माने और मुझे माफ़ कर दें तो ये दोनों किताबें और ये मैगजीन ये मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों नज़र करना चाहते हैं, उसका जवाब था कि मुझे मालूम है, मैं भी कई बार आपके मुल्क में जाता हूँ तो वहाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, कम पैसे होते हैं, शौक की चीज़ नहीं मिल पाती, और आपके बारे में मुझे ये ज़रूर लगा कि मैंने आपका लेक्चर भी सुना है, और दूसरी बात यह कि दोनों किताबें जो आपका टेस्ट था जो चॉइस थी मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं समझता था कि सही है आपके पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। खैर उसके बाद उसने कहा कि अगर बुरा ना माने तो मेरे साथ एक कॉफ़ी का प्याला भी यूनिवर्सिटी के टी हाउस में ले लें। तो बैठे तो उसने बताया कि आपने बहुत कुछ लिखा है, हम लोग यहाँ भी पढ़ते रहते हैं आपकी चीज़ों के तर्जुमे यहाँ भी आते हैं, और आज आपने लेक्चर में भी जिक्र किया है, लेकिन मेरी एक मुसीबत है, मैं समझता हूँ कि जो मेरी मुसीबत है वो बहुत सारे परिवारों की होगी, तो आप उन पर क्यों नहीं लिखते, आपने सारा जो सिलसिला है इन पर लिखने का हमारे मंडों पर छोड़ दिया और आपके यहाँ कोई लिखने वाला भी नहीं इन बातों के ऊपर। तो मैं उससे कहा कि मुझे बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम कौन सी बात का जिक्र कर रहे हो। फिर उसने बड़े संकोच के साथ उसने बताया कि मेरी माँ रसूलन भी 1947 में राम जा रही थी, और कुछ लोग उसे, कुछ गुंडे जो थे वो उसे बाजार से उठा कर ले आए थे, और जब हमारे कूटे से गुजरे उस वक्त मेरा बाप हशमत खान जिंदा था, और हशमत खान का रोग जो है वो सारे के सारे पूरे परिवेश में चलता था। हशमत खान से उनसे पूछा तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, उनका था हमारा मकसद एक ही होता है कि 4 दिन अच्छे बिताएं इस औरत के साथ और उसके बाद उसको बेच दें। उसने कहा कितनी कीमत चाहिए, उन्होंने कहा जी बाद में अगर बेचेंगे तो 2000 मिलेंगे, आज अगर 5000 मिल जाए तो हम इसकी इज्जत बख्श देंगे। हशमत खान ने 5000 रुपये देकर उस राम प्यारी को उनसे छुड़वा दिया और उसे बड़े आराम से अपने घर ले आया, उसे कहा कि बीबी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम हिफाजत से रहोगी, सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है कि घर के अंदर रहना, बाहर मत जाना, और ये मत समझना कि मैं तेरे साथ कोई भी ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाला काम करूँगा, तुम यहाँ मेरे मेहमान की हैसियत से जब तक तुम्हारे भाई बंधु नहीं मिल जाते रहो। कैंप तक ले जाए जिस कैंप में खोए पाऊ का वो एक था कि लॉस्ट एंड पाउंड का एक कैंप लगा हुआ था, जहाँ जो रिश्तेदार बिखर गए थे उनको मिलाने का काम होता था। तो उसने बड़ी कोशिश की हशमत खान ने कि इसके भाई आए और उसको ले जाए, उनके भाइयों को बुलाया भी गया तो भाइयों ने उसको लेने से इनकार कर दिया कि जो औरत जो हमारी बहन जो कल तक हमारी बहन थी जो 6 दिन गुंडों के साथ रही और उसके बाद लगभग 2-3 महीने से एक मुसलमान के परिवार में रह रही है, ये उसकी जो इज्जत है आबरू वो नहीं कायम रह सकती होगी, हम ऐसी अपनी बहन को ले जाकर अपने लिए अपनी सोसाइटी में अपने मुआशरे में एक बहुत बड़ा मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहते। तो भाइयों ने इसको लेने से इनकार कर दिया और आखिर हशमत खान ने कहा कि तुम्हारे जो मुकद्दर में है बेबी तुम उसी को तस्लीम करो और तुम वापस मेरे घर चलो, जब तक तुम्हारा दिल करे जहाँ तक रहो, और जब तुम्हारे भाइयों को किसी तरह की महसूस हो कि गलती महसूस हो तुम्हें कोई लेने आए तो बड़े भाई साहब चले जाना। और इस तरह से हशमत खान उसको फिर से अपने घर ले गया और आखिर 2 साल के पीरियड के बाद राम प्यारी ने हशमत खान से एक बार कहा कि खान साहब आपकी बीवी का भी इंतकाल हुए 8-10 साल हो चुके हैं और आप ये अकेले रहते हैं, मेरी इल्तजा है, मैं आज ये स्वीकार करती हूँ कि अगर आप मुझसे निकाह करवाना चाहें तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा, वो इसलिए कि आपने मेरी हिफाजत की है, गुंडों से की है और मेरे उन भाइयों से भी की है जिन भाइयों ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया है। आदरणीय वायन शर्मा जी कृपया मंच पर आए, थोड़ा जल्दी से आएंगे तो अच्छा लगेगा। आदरणीय वायन शर्मा जी जल्दी से आ जाइए, एक क्षण में रुकिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है, बहुत समय निकाल कर हमारे कुछ ही क्षण और है। चाहते
1947 में जो पंजाबी समुदाय के लोग जो विभाजन से वहाँ यहाँ आए थे और उन्होंने उन समय पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खाली आए थे, चार ट्रेनें अगर चली थी तो तीन ट्रेनों में लाशें तक आई थी और बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना पैसे के छोड़ के आए थे। उन्होंने यहाँ आके कैसे कैसे अपने को, व्यापार को, अपने बच्चों का पालन पोषण किया और सब समाज के साथ रहे, तो उनकी मीठी मीठी यादों के लिए आज ये समारोह मनाया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि रोहिता रेवड़ी जी MLA जो पानीपत के थे, और उपायुक्त सुमेधा कटारिया जी ने भी इस समारोह को पूरे शहरों को और पूरे हरियाणा के जो समुदाय, पंजाबी समुदाय के लोग थे, सबको जोड़ा और उन बुजुर्गों को बुलाया जो 1947 में हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान विभाजन में, जब उस जिसका नाम पाकिस्तान है वहाँ उनका जन्म हुआ था, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों का मान सम्मान किया। बुजुर्गों का मान सम्मान ही एक संस्कार की सीमा है, और पंजाबी समुदाय ने और भी अनेक समुदाय ने इसमें भाग लिया और भाईचारा का नारा आगे बढ़ाया कि प्रेम मीठी यादें करके, कि प्रेम भाव से, जैसे वहाँ मुस्लिम और हिंदू सब लोग इकट्ठे रहते थे, एक ही घरों में रहते थे और एक दूसरे का मान सम्मान करते थे और एक दूसरे की जान के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिशें की। और यहाँ के लोगों ने भी, जब हम हिंदुस्तान से विभाजन में आए तो लोगों ने हमें अपनाया और मिलजुल के एक परिवार बनाया है। आज इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। परमवीर ढींगड़ा जी भी IB कॉलेज के तरफ से जो आयोजक थे, आज उन्होंने भी यहाँ पे, और नव निर्माण पंजाबी सभा से अनिल मदान और सभी सदस्यगण और सब संस्थाओं के लोग यहाँ पे आज आए और एक अच्छा राष्ट्र को एक अच्छा संदेश मिला कि मिलकर रहो और एक दूसरे का मान सम्मान करो।